पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर IMF से मिलने वाली इमदाद को रोकने के लिए अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में भारतीय लॉबी ने पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम शुरू कर दी है। गैर मुल्की खबरसा अदारे के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस के 3 अरकान ने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ख़त लिखकर इनसे कहा है कि वो IMF को पाकिस्तान से मुआहिदा करने से रोकें। कांग्रेस के अरकान ने दावा किया था कि पाकिस्तान IMF का कर्ज पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के लिए चीन से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इनमें से 2 अरकान कांग्रेस भारतीय अमूर को भी देखते हैं। वाज़ह रहे कि अब तक मौशी बहरान से निकलने के लिए किए गए तमाम तर इकदाम नाकाम साबित हुए हैं और सऊदी अरब, चीन और मुतहदा अरब अमारात से कर्ज के बावजूद रुपये की कदर मुस्तकिल कम होती जा रही है, जिसके सबब पाकिस्तान मतलूबा नतायज के हसूल में नाकाम रहा है और इसे IMF के पैकेज की ज़रूरत है। जबकि पाकिस्तान भी कह चुका है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात तय हो जाएंगे और पाकिस्तान 10 से 12 अरब डॉलर्स IMF से कर्ज ले सकता है। लेकिन अब भारत ने अपनी हठधर्मी दिखाते हुए IMF को कहना शुरू कर दिया है कि वो पाकिस्तान को कर्ज फराहम ना करे।